तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से 100% से 99% तक बैटरी हेल्थ आने के लिए वक्त लगता है। ये हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, कितना समय लगता है ये हमने देखा था। और ओके, मैं मतलब रोज़ नोट करता हूँ ये चीज़ कि आज कितनी बैटरी हेल्थ है, मतलब एक रोज़ नोट करता हूँ। ओके, तो मैंने जब आज नोट किया 7 फरवरी को, तो मैंने ये देखा कि आज 99% से लेके 98% तक बैटरी आ चुकी है। ओके, यहाँ पे बैटरी सेक्शन में हम जाके देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 99% से 98% तक आ चुकी है। ओके, तो आज डेट है 7 फरवरी। ओके, मैंने ये आफ्टरनून में नोट किया था कि 99% से 98% तक बैटरी हेल्थ आ चुकी है। इससे पहले 100% से लेकर 99% तक बैटरी हेल्थ आने के लिए लगभग 9 से 10 महीने लगे थे। ओके, मैंने ये फ़ोन बाय किया था 20 ओके, मतलब मुझे लगता है मार्च में 2022, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वारंटी। ओके, यहाँ पे लिमिटेड वारंटी 26/3/23 को, मतलब ये एक्सपायर होने वाला है, मतलब 26/3/22 को मैंने ये फ़ोन बाय किया था। 26/2/22 से लेकर, मतलब मैंने जब नोट किया था 100% से लेकर बैटरी हेल्थ 99% तक कब आ चुकी थी, तो उसका समय था मतलब 1 जनवरी से लेकर 25 के बीच में कहीं आ चुकी थी, क्योंकि 1 जनवरी को जब मैंने नोट किया था तब बैटरी हेल्थ जो है वो 100% थी। उसके बाद में मतलब 2 जनवरी से लेकर 25 जनवरी को, मतलब बीच में कहीं, जो बैटरी हेल्थ है वो 100% से लेकर 99% तक आ चुकी थी। ओके, मतलब एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त मतलब हर रोज़ नहीं देखता था कि बैटरी हेल्थ मतलब 100% से लेकर 99 पर आई या नहीं। तो मतलब 1 तारीख को मैंने नोट किया था, तब 100% थी 1 जनवरी को 2023 को। उसके बाद में जब मैंने 26 जनवरी को वापस नोट किया, तो बैटरी हेल्थ जो है वो 99% तक आ चुकी थी 100% से लेके, मतलब तब भी मतलब एक 9 से 10 महीने का समय लगा था कि 100% से लेके 99% तक बैटरी हेल्थ आने के लिए। लेकिन उसके बाद में मतलब जनवरी, ओके, मतलब हमने अगर हम ये भी मतलब ये एक अंदाज़ा लगाए कि समझो, ओके, ये पकड़ते कि समझो 6th ऑफ नहीं तो ओके, मतलब 2nd, 3rd, 4th या 5th कहीं बीच में, समझो जनवरी में 2nd से लेके 25 के बीच में कहीं बैटरी हेल्थ जो है वो 100% से लेके 99% तक आ चुकी थी। वही टिपिकल यूज़, कोई बदलाव नहीं उस यूज़ में। लेकिन इस बार जो है वो मतलब बस 1 महीना और कुछ दिनों में ही, मतलब एक 5 से 10 दिनों के अंदर ही जो बैटरी हेल्थ है वो 99% से लेके 98% तक आ चुकी है, मतलब काफ़ी जल्दी। उस वीडियो में भी हमने देखा था कि मेरी यूज़ वैसे ही है, मतलब काफ़ी टिपिकल यूज़ है। यहाँ पे ओके, जब मैं स्क्रीन टाइम में जाऊँगा, सी ऑल एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज की जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 4 आवर्स 24 मिनट्स हैं। यूट्यूब सबसे ज़्यादा है। ओके, उसके बाद में यूट्यूब स्टूडियो है। ओके, तो मैं मतलब ओके लगातार देखता रहता हूँ कि कितने व्यूज़ आए ये सब, मतलब ओके, तो उसमें मतलब स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा यूट्यूब स्टूडियो को चला गया। उसके बाद में फ्लिपकार्ट वगैरह, मतलब इंस्टाग्राम तो काफ़ी कम है। तो यही मतलब काफ़ी टिपिकल यूज़ है। 7 आवर्स उसके पहले, 5 आवर्स 54 मिनट्स, और उसके पहले के हफ्ते में अगर हम देखेंगे एक एवरेज, तो लास्ट वीक्स एवरेज क्या था, 7 आवर्स 23 मिनट्स, मतलब ओके, काफ़ी ज़्यादा है। इसके पहले भी मतलब मेरा जो स्क्रीन ऑन टाइम रेगुलरली रहता है वो 6 to 7 आवर्स ही होता है, मतलब ऑन एन एवरेज, तो उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन फिर भी 1 महीने में ही, मतलब 1 महीना और कुछ, एक 5-10 दिनों के अंदर ही जो बैटरी हेल्थ है वो 99% से लेकर 98% तक आ चुकी है। तो ये बस एक मतलब अपडेट था आपको, मतलब बताना था कि 99% से लेकर 98% तक बैटरी हेल्थ आ चुकी है iPhone 13 की। ओके, तो बस मतलब शायद ऐसे ही होता है कि शुरुआत में जो 100% से लेकर 99% तक है उसको, मतलब बैटरी हेल्थ को 99% तक आने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन 99 से लेके अब हम देखेंगे कि किस तरह से बैटरी हेल्थ कितनी जल्दी जल्दी, मतलब 98, 97, 96, 95, मतलब किस तरह से नीचे आती हैं, कितने समय में आती हैं।
वही टिपिकल यूज़, वही इंडोर यूज़, मतलब ओके हमने पिछली बार डिस्कस किया था, मतलब 50% के नीचे ही ब्राइटनेस लेवल रहती है मेरी हमेशा. ओके मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए मैंने वो ब्राइटनेस स्लाइडर को मतलब थोड़ा कम किया है. लेकिन कुछ मतलब 50% के आसपास ब्राइटनेस लेवल रहती है मेरी, इंडोर ज़्यादा यूज़ रहता है. कैमरा यूज़ मतलब कभी कभी ओकेजनल, और मतलब बस ऐसे ही एक टिपिकल यूज़ है. सोशल मीडिया वगैरह उसमें थोड़ा, और यूट्यूब मैक्सिमम. तो बस एक अपडेट था कि ओके 98% तक, मतलब 98% पर बैटरी हेल्थ जो है वो आ चुकी है. इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से 98 से लेके मतलब नीचे कितने टाइम स्पैन लगता है, कितना टाइम स्पैन लगता है, बैटरी हेल्थ कितने कम टाइम स्पैन में और मतलब डिग्रेड होती है उसी टिपिकल यूज़ के साथ में. तो ओके मतलब वो जानने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना. और ओके तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.